हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज साक्षी चौरसिया। सो आज के इस सेक्शन में ना हम एक और न्यू स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कवर करने वाले हैं। नाउ मैं आपके साथ जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ वो भी कम्प्लीटली प्राइस एक्शन पर ही बेस्ड है। सो जिस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग नाम से क्लियर है, जिसमें हम जो मार्केट में जो स्विंग लेवल्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बेसिस में ट्रेड लेते हैं। दैट मीन्स ट्रेड हमेशा अपसाइड जाता है, फिर लिटिल डाउन आता है, फिर अप जाता है, वो फिर लिटिल डाउन आता है, वो फिर अप जाता है और वो फिर लिटिल डाउन आता है। ठीक है, इसी तरीके से मार्केट में लेवल्स वर्क ऑन करती हैं, वो स्ट्रेट अपसाइड नहीं जाती हैं, वो लिटिल डाउन आती हैं, लिटिल अप जाती हैं। और इन्हीं के जो लेवल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं हायर हाई और हायर लो। हम इन्हीं को बोलते हैं हायर हाई और हायर लो। और स्विंग ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट दैट, टू आइडेंटिफाई दीज हायर हाई एंड हायर लो, जिसके बेसिस में हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। एंड काफ़ी सारे ट्रेडर को कन्फ्यूजन होती है कि किस तरीके से हम इन हायर हाई और हायर लो को आइडेंटिफाई करें। बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप इन हायर हाई और हायर लो को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं ना, देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर स्विंग ट्रेडिंग। यस, वेल, स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड लेने के काफ़ी सारे तरीके हैं। आप मूविंग एवरेजेस के बेसिस में भी ले सकते हैं, आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बेसिस में ले सकते हैं, आप हायर हाई एंड हायर लो के बेसिस में ले सकते हैं, आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बेसिस में ट्रेड ले सकते हैं, आप फिबोनाची ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी यूज़ होती है, हर स्ट्रैटेजी आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट प्रोवाइड करती है। दैट मीन्स उसमें प्रॉफिट पोटेंशियल होते हैं, बट यस उसमें लॉसेस भी होते हैं, दोनों ही चीज़ें इक्वल होती हैं। बट यू शुड अंडरस्टैंड आर स्ट्रैटेजी, आपको अपने अकॉर्डिंग देखना चाहिए कि क्या आप उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली मार्केट में सही ट्रेड ले पा रहे हैं। इफ़ येस, देन इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि आप उस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल वेज हैं जिसके बेसिस में आप ट्रेड ले सकते हैं। आज की जो स्ट्रैटेजी है वो कम्प्लीटली इन हायर हाई एंड हायर लो पर बेस्ड है कि किस तरीके से आप मार्केट में इन हायर हाई को और हायर लो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बेसिस में ट्रेड ले सकते हैं। फॉर स्विंग ट्रेडिंग ना हमें सिर्फ ये जो हमारे हायर लोज है ना, इनको आइडेंटिफाई करना है ताकि हम मार्केट में इस पॉइंट पर एंट्री ले पाएँ और यहाँ तक जाकर हमें प्रॉफिट हो पाए। ठीक है, और इन हायर लो को आइडेंटिफाई करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है, ये बहुत ही सिंपल होता है। ऑल यू हैव टू लुक इट कि प्रीवियसली कहाँ पर आपका हायर हाई फॉर्म हुआ था, आगे जाके हायर लो वहीं कहीं ना होगा, आई मीन टू से उसी पॉइंट पर होगा, और आगे जाके वही हायर लो हायर हाई बनता है और वही हायर हाई हायर लो बनता है। आई थिंक ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है मैंने जिस तरीके से बोला है, तो मैंने आपको चार्ट पे इसको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर दी कि किस तरीके से आप इन हायर हाई एंड हायर लो के आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट में और उसके बेसिस में ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कोई भी स्टॉक स्ट्रेट अपसाइड नहीं जाता और ना ही डाउन साइड जाता है, वो हमेशा इस तरीके से करेक्शन करते हैं, इस तरीके से रिट्रेसमेंट करते हैं। तो इस तरीके से हायर लोज बनाना बहुत ही कॉमन है उसके लिए, तो आपको इन्हें ही आइडेंटिफाई करना है जिसके बेसिस में हम मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट एक कंसॉलिडेशन रेंज में था, अब उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में जाने लगा। ठीक है, स्टॉक में यहाँ पर एक अप मूव आया था, अब एक डाउन आया है, अब एक अप आया है और अब एक ये हाई। दैट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर हायर लोस फॉर्म हो रहा है। अब टू अंडरस्टैंड कि क्या ये हायर लो है, दैट मीन्स यहाँ से जो हमारा स्टॉक है वो रिटेस्ट करके अपसाइड जाएगा या फिर नहीं जाएगा, उसी पे बेस्ड है ना कि हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे। तो आपको क्या करना है, इट इज़ वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, प्रीवियसली इसका हायर हाई देखना है। जहाँ पर हमारा प्रीवियसली हायर हाई होगा ना, आपको वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देना है, दैट शो कि यह अब ये एक सपोर्ट लेवल है, यहीं पर मार्केट रिटेस्ट होगा और इसके बाद मार्केट अपसाइड जाएगा, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो आप समझे क्रोनोलॉजी क्या है, दैट मीन्स इट इज़ वेरी सिंपल। इट इज़ अगर देखा जाए तो ये मोस्टली सपोर्ट लेवल के जैसे पर ही बेस्ड है, बट इसके लिए ना आपको प्रीवियसली जाके सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रीवियसली हायर हाई देखना है। फॉर दिस स्ट्रैटेजी ना मार्केट एक अप ट्रेंड में होना चाहिए, दैट इज़ मार्केट यहाँ पर हायर हाई फॉर्म कर रहा हो, तभी ये स्ट्रैटेजी मार्केट में वर्क करती है। टू आइडेंटिफाई कि यस ये इन हायर हाई के बाद क्या ये एक हायर लो है या फिर स्टॉक यहाँ से कंटिन्यू डाउन जाएगा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिंपली यहाँ से प्रीवियसली देखना है क्या ये वही पॉइंट है जहाँ पर प्रीवियस हायर हाई फॉर्म हुआ था। इफ़ येस, और वहाँ पर जाकर स्टॉक इस तरीके से कंसॉलिडेट हो रहा है, इस तरीके से रीटेस्ट कर रहा है, बैक टेस्ट कर रहा है, देन आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि क्या वहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, यस, देन आपको सिंपली वहां पर ट्रेड ले लेना है।
और देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको हाई प्रॉफिट होगा। अब हमने इस तरीके से देखा, अब नेक्स्ट हायर हाई हमारा कहाँ पर होगा, जैसे आप देखिए स्टॉक में ये अप गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने इस पॉइंट पर फिर से कंसोलिडेट करा है, और अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये हमारा एक जो प्रीवियस हायर हाई था वो पॉइंट था, तो इस पॉइंट पर आप यहाँ पर मार्केट में अगेन एंट्री कर सकते थे। इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, आप यहाँ पर अगेन कर सकते थे, स्टॉप लॉस आपको इस रीटेस्ट पर करना है, देखिए इस तरीके से इसमें आपको अगेन प्रॉफिट होता। अब बहुत सिंपल है, अब मार्केट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए मार्केट फिर अप गया है, फिर इस लेवल पर रीटेस्ट करा है जो कि हमारा प्रीवियसली हायर हाई था, तो आपको इस पॉइंट पर अगेन यहाँ पर एंट्री ले लेना है, ठीक है। इस तरीके से स्टॉप लॉस आपको थोड़ा लोअर पुट करना है और देखिए आपको यहाँ पर अगेन प्रॉफिट होता। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। देखिए मैं सिर्फ हायर हाई एंड हायर लो को आइडेंटिफाई करें, अब स्टॉक ने फिर से एक अप ट्रेंड किया है, अब स्टॉक मूव कर रहा है डाउन साइड, ये अपना प्रीवियस हमारा सपोर्ट आई मीन टू से रेसिस्टेंस पॉइंट था, ये देखिए हायर हाई था, स्टॉक यहाँ पर फिर से आया है, तो जब भी स्टॉक यहाँ पर आएगा यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। हमेशा याद रखिए जब भी अगर आप प्राइस एक्शन के बेसिस में मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं ना, देन इट इज़ वेरी कॉमन कि आपको वहाँ पर इन दो चीज़ों को तो देखना ही देखना है। द फर्स्ट थिंग इज़ आर कैंडल, कि वहाँ पर एक बिग ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही हो, एंड द सेकेंड थिंग इज़ आर वॉल्यूम, इन दोनों की कन्फर्मेशन के बेसिस में ही आपको मार्केट में ट्रेड लेना, और देखिए आपको प्रॉफिट होगा। देखिए ट्रेड अपसाइड है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए स्टॉक अप गया है, फिर लिटिल सा करेक्शन हुआ है, फिर अप गया है, फिर करेक्शन हुआ, फिर अप गया, फिर करेक्शन हुआ, फिर अप गया, फिर करेक्शन हुआ, और फिर अप गया, और आपको इन्हीं करेक्शन लेवल को आइडेंटिफाई करना है टू टेक ट्रेड इन इट, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो कि किस तरीके से आप इन करेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। ऑल यू हैव टू लुक एट द प्रीवियस हायर हाई, के प्रीवियस हायर हाई कहाँ फॉर्म हुआ था, और अगर हमारा जो करंट हायर लो है अगर वो उसी लेवल पर फॉर्म हो रहा है, देन येस ये एक वो पॉइंट है जहाँ से ट्रेड अपसाइड जाएगा, तो आप वहाँ पर बाय की एंट्री कर सकते हैं और इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अब आपको वेट करना था, अब देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं इस पॉइंट पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा प्रीवियसली हायर हाई का है, अब ये कंसोलिडेट कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो अभी तक इसने कोई भी एक बिग ग्रीन कैंडल फॉर्म नहीं करी है, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, तो हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। जब यहाँ पर रीटेस्ट होने के लिए जब एक बिग ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, ओनली देन वी आर गोइंग टू टेक ट्रेड इन इट, और इस तरीके से है ना हम यहाँ पर ट्रेंडी मार्केट से ईजिली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो। अब मैं आपको ना दूसरे स्टॉक में भी और समझाती हूँ कि किस तरीके से आप इस स्ट्रैटेजी को मार्केट में यूज कर सकते हैं और उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जैसे देखिए इस पॉइंट पे ना, ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पर मैंने कोटक महिंद्रा बैंक ओपन कर लिया, अब आप नोटिस करेंगे तो ये डाउन ट्रेंड था, एक वी शेप आया, फिर देखिए ये अप जा रहा है, लिटिल सा बैक टेस्ट करा, फिर ये अप जा रहा है, और अब ये करंट बैक टेस्ट कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जर्नली हायर लोज बना रहा है और हायर हाई फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है तो किस तरीके से लेंगे, हमारा जो स्टॉक है वो इस पॉइंट पर आके रीटेस्ट करना चाहिए, यहाँ पर बाउंस लेना चाहिए। देखिए बड़ी ग्रीन कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ फॉर्म हो रही है, तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस इस लेवल के थोड़े से बिलो पुट करेंगे, और हमारा टारगेट इससे थोड़ा हाई होना चाहिए। देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमें 141 का प्रॉफिट हो। अब स्टॉक देखिए फिर अप गया है, अब लिटिल सा बैक टेस्ट कर रहा है, वो भी इस पॉइंट पर, अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस पॉइंट पर आके रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है हाई वॉल्यूम के साथ जो कि हो रही थी, हम यहाँ पर फिर से ट्रेड ले लेंगे, और देखिए इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है। अब ये अगेन रीटेस्ट करके अपसाइड जा रहा है, अब ये रीटेस्ट कर रहा है इस पॉइंट पर। अब हमारा नेक्स्ट जो रीटेस्ट पॉइंट है वो है ओवर समवेयर हियर पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेंगे, और आप ध्यान से देखेंगे तो ये कंसोलिडेट हो चुका है। हमारा रीटेस्ट पॉइंट क्या था, अगर हमारा ध्यान से देखा जाए तो हमारा रीटेस्ट पॉइंट था समवेयर हियर, ठीक है, ओवर हियर। तो इस पॉइंट पर देखिए ये इस लेवल के पास आया है, यहाँ पर इसने रीटेस्ट करा हुआ है, और जैसे देखिए ये यहाँ पर हुआ, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे क्योंकि ये बहुत क्लोज था, और देखिए इसके बाद इसमें आपको अगेन प्रॉफिट हुआ है। फिर ध्यान से देखिए ये यहाँ तक आया, फिर अप करा, ये फिर डाउन आ रहा है। अगर इसका रीटेस्ट पॉइंट देखेंगे आप तो हमारा ये था, और देखिए यहाँ पर ट्रेड आया हुआ है, तो इस पॉइंट पर हम फिर से यहाँ पर बाय का ट्रेड लेंगे, देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए आपको सिर्फ एक बार ना इस तरीके से अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, और आप इसके बेसिस में यहाँ पर देखिए कितनी बार ट्रेड, 1, 2, 3, 4, आप 4 टाइम ट्रेड ले सकते थे फॉर जस्ट 1 मंथ, और देखिए इस तरीके से ना इसमें आपको प्रॉफिट होता।
अब यहाँ पर देखिए हमारा रीटेस्ट पॉइंट था ये यहाँ पर होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद स्टॉक यहाँ से डाउनसाइड आ गया। सो आई होप ये क्लियर हो कि किस तरीके से आप इस रीटेस्ट आई मीन टू से इस हायर हाई एंड हायर लो की स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे गाइज, इसमें आपको कोई भी प्रॉपर डीप एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हायर हाई एंड हायर लो को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको सिर्फ ये देखना है कि यस उस पॉइंट पर स्टॉक आया है। अगर उस पॉइंट पर स्टॉक आया है, ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, देन देखिए आप इस तरीके से बाय कर सकते हो और उसमें आपको हाई प्रॉफिट होगा। मैं आपको और एक बार एग्जाम्पल से लास्ट टाइम समझा देती हूँ डिटेल में ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, बट स्टिल गाइज इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस स्ट्रैटेजी ना देन आप वो मुझसे नीचे Q&A सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आपके पास मेरा WhatsApp नंबर होगा, आप उस पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। देखो कंटिन्यूसली यहाँ पर मार्केट जो है वो डाउनसाइड जाता जा रहा है, हमें इस स्ट्रैटेजी को वर्क ऑन करने के लिए ना एक अप ट्रेंड की ज़रूरत होती है, ओनली देन हम यहाँ पर हायर हाई एंड हायर लो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जैसे ही एक टाइम पर हम ये समझ जाएँ कि येस मार्केट में अब इस डाउन ट्रेंड को खत्म कर दिया और इसके बाद मार्केट अपसाइड जा रहे हैं, तो हम इसे स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटा सा डाउन ट्रेंड था, उसके बाद मार्केट इस पॉइंट पर कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। अब इस पॉइंट पर आके ना मार्केट यहाँ पर हायर हाई फॉर्म कर रही है, देखिए नीचे आया ऊपर गया, अब मार्केट सिर्फ इतना ही नीचे आया और फिर मार्केट अपसाइड गया, ठीक है, जो कि इसने इस पॉइंट पर जो अपना ये करा था वो यहाँ पर था, दैट इज शो कि ये देखिए हायर लोस फॉर्म कर रहा है, हायर हाई फॉर्म कर रहा है। तो इस पॉइंट पर अगर हम ये डाउन आ रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है, अब अगर ये इस पॉइंट पर हो रहा है देन हम ट्रेड ले सकते हो, देखिए ये इसी पॉइंट पर हो रहा है तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, एक बड़ी ग्रीन कैंडल भी हाई वॉल्यूम के साथ। टारगेट हमें हमारे इस हायर हाई से ना थोड़ा ऊपर पुट करना है और देखिए यहाँ पर आपको प्रॉफिट होता। अब ये अगेन रीटेस्ट कर रहा है, देखिए ये अप आया है, अब ये फिर से रीटेस्ट कर रहा है, किस लेवल पर, इस लेवल पर, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ये इस लेवल पर फिर से रीटेस्ट कर रहा है, देन हम यहाँ पर फिर से एक बाय की एंट्री लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल है वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, तो हम सिंपली यहाँ पर फिर से बाय की एंट्री ले लेंगे। स्टॉप लॉस आपको इस लाइन से थोड़ा सा बिलो पुट करना है और देखिए इस तरीके से ना इसमें आपको फिर से प्रॉफिट होता। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे गाइज जिसके बेसिस में आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रेड अपसाइड तो गया फिर, लेकिन यहाँ पर ट्रेड इस तरीके से वर्क ऑन करने लगा तो हम यहाँ पर हायर हाई एंड हायर लो फॉर्म नहीं हो रहे थे तो हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। फिर मार्केट में जैसे ही ये हायर एंड हायर लो फॉर्म होने लगे देन हम इसमें अगेन ट्रेड ले सकते हैं और इस तरीके से इसमें ट्रेडिंग करके हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इसमें आपको कोई भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है जो कि आपको फॉल्स सिग्नल प्रोवाइड करेगा या फिर लेट सिग्नल प्रोवाइड करेगा, ये टोटली प्राइस एक्शन पर बेस्ड है। आपको सिर्फ इन प्राइस एक्शन पर फोकस करना है, कैंडल्स पर फोकस करना है, वॉल्यूम पर फोकस करना है और उसके बेसिस में आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये क्लियर है कि आप किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि किस तरीके से आप मार्केट में यहाँ पर स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं। सो हमेशा आपको स्टॉप लॉस ना इन लाइंस के जिस भी हम जो भी हमारा रिट्रेसमेंट लेवल है, ठीक है, जो भी हमारा हायर लो फॉर्म हुआ उस लाइन के लिटिल सा ब्लो पुट करेंगे आप वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं, या फिर जिस भी कैंडल पर आप ट्रेड ले रहे हैं उसकी लास्ट कैंडल के लो पर भी आप पुट कर सकते हैं, ये उस तरीके से भी वर्क करता है। बट हमेशा आपको मार्केट में ना स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेडिंग करना है, कभी भी आपको मार्केट में विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग नहीं करना है, बिकॉज अगर आप विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट में ट्रेडिंग करते ना देन देयर इज हाई चांसेस कि आप अपने लॉसेस को काफ़ी बड़ा कर लेंगे और आपके प्रॉफिट काफ़ी कम हो जाएंगे। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना अपने लॉसेस को कम से कम रखें और अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा रखें सो दैट आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट अर्न कर पाएं। आई होप किस तरीके से आप स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी में क्लियर हो। इस स्ट्रैटेजी को ना मार्केट में बैक टेस्ट कीजिए, प्रीवियस डाटा में जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज जितना ज़्यादा आप प्राइस एक्शन को प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही ज़्यादा ये आपको इजीली आइडेंटिफाई होने लगेंगे और उतना ही ज़्यादा आप इसमें अच्छे से ट्रेड ले पाएंगे। काफ़ी सारे लोगों को होता है जो कि मुझसे मैसेज करके बोलते हैं कि मैम हमें तो समझ में ही नहीं आया कि कहाँ पर हायर हाई फॉर्म हो रहा है, कहाँ पर हायर हाई आई मीन जैसे लोअर लो फॉर्म हो रहा है, तो आप किस तरीके से इसको देखते हैं। इट इज़ बिकॉज गाइज कि मैंने कितना टाइम अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर से भी ज़्यादा हो चुका है मुझे ट्रेडिंग करते हुए, तो मैंने बैक टेस्ट करा हुआ है। मैं आज भी प्रीवियस टाइम पे जाती हूँ, प्रीवियस चार्ट में जाती हूँ और बैक टेस्ट करती हूँ, आई मीन टू से प्रैक्टिस करती हूँ, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ईजी आपके लिए हो जाएगा इन
हायर एंड हायर हाई एंड हायर लो को आइडेंटिफाई करना और उसके बेसिस में मार्केट में ट्रेड लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, यही थी आज की स्ट्रैटेजी। आई होप ये समझ गए आप स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी।